अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये जो हमारा अजीज़ दोस्त था अबू आसिफ, आपने नदीम के व्लॉग में देखा ही होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अभी से ये प्रैक्टिस करने लग चुके हैं। ये और ये कभी झूला जो होने वाला है बढ़िया एकदम अच्छा है, करना चाहिए ज़रूरी है। लगता है ये तो मतलब बस बहुत ऐसा लग रहा था आज के इनके आज ही करा दो कोई अगर होगा आपकी नज़र में अच्छी लड़की लड़का पारवा देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी हो चुकी, एक्चुअली उनकी इंगेजमेंट थी और उन्होंने हमें बुलाया था औरंगाबाद से। जब हम औरंगाबाद में थे तो हम आ नहीं सके, तो हम उन्हें मुबारकबाद देते तो मिली हमारे अजीज़ दोस्त से। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है वो आसिफ शादी होगी? मतलब एक्चुअली इनकी इंगेजमेंट का प्रोग्राम था और सडनली शादी होगी, मतलब कैसे? कुछ पहले से था प्लानिंग के डायरेक्टली मुझे कुछ टाइम पहले पता चला तो मैं फ्रेंड लोग ने बोला कि बोले बिस्मिल्लाह कर और निकाह को आसान करो। सही सही, मोटिव था उनका ये बात बहुत अच्छा। यहाँ उन्होंने मैसेज दिए कि निकाह को आसान करो आदि से, कि निकाह इतना आसान करो कि जीना मुश्किल हो जाए। और बहुत अच्छी बात है, इस तरह की फालतू की रस्म इस्लाम में भी नहीं है और हम भी मोटिवेट हुए इंशाल्लाह। हम भी चाहेंगे हम भी आप ही तरह एकदम सिंपल निकाह करें। और बहुत अच्छा हुआ मेरे दो फ्रेंड जिसे नदीम की शादी हुई एकदम सिंपल हुई, सादगी में हुई, और आसिफ अबू आसिफ की हुई। और हमें बहुत मुबारक देते हैं, अल्लाह इन दोनों की दिलों में मोहब्बत अता फरमाए और दोनों को दोनों जहाँ में कामी में अता फरमाए। तो एक विश, शुक्रिया। यहाँ हमारे शेरू भाई के पास आए, शेरू भाई हमारे जो है शेरू भाई देवना गाड़ी क्या हुआ शेरू को बताएंगे जरा, सब्सक्राइबर को क्या हुआ था। जो हुआ बोला यार, तुम कैमरा मत देखो, तुम कैमरा टेंशन नहीं लेना। आपकी गाड़ी का कनेक्टिंग रॉड ब्लॉक पिस्टन कलेक्ट प्लेट ऑयल डाल के काम हो जाएगा आज शाम तक। हाँ। बहुत लोगों ने हमें रिकमेंड किया गाड़ी भेज डालो, लेकिन शेरू भाई ने बोला नहीं, अब मैं तो गाड़ी भेजना नहीं है। तो शेरू भाई हमारे डॉक्टर है और गाड़ी को कैंसर हो चुका है, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर हो चुका था। यू कमेंट बताओ पहले। शेरू भाई से हमने कहा कि शेरू भाई हमारी बाइक को क्या हुआ है, तो शेरू भाई ने कहा कि समझो कि तुम्हारी गाड़ी को कैंसर हो चुका है और आप अगर आपने जल्दी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, ऑपरेशन नहीं किया, तो गाड़ी का कैंसर बढ़ जाएगा। तो हम आ गए आज ऑपरेशन करने के लिए बाइक का। हमारे डॉक्टर साहब ने निकाल चुके हैं, अब यहाँ देख रहे हैं आप। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अब इनकी कलम उड़ चुकी है, अब दवा की बौछार होगी। ये देखो हमारी शाहीन क्या थी और क्या हो चुकी है, ऑपरेशन शुरू है। वो ब्रेन ट्यूमर कहाँ गया उसका? ही हाँ बोलता है शेरू भाई, बहुत महंगा होगी, मतलब पेट्रोल आसमान छू रहा है। तो ऐसा कुछ होता है कि अपनी गाड़ी मतलब गैस पे चलेगी, गैस के ऊपर? यार तुम गैस पे बोल रहे हो, पानी पे चलेंगी तुम बोलो। ये बात बहुत अच्छी होगी भाई ने, गैस तो ये बड़ी टैलेंट का हमारे शेरू भाई, मतलब बहुत टैलेंट दिया हुआ है। और ये गाड़ी गैस तो कैसे गैस पे कर रहे अपनी गाड़ी, तो क्या मतलब पता जरा हमारे सब्सक्राइबर को। किलोमीटर में एक लीटर में गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी, मतलब के बढ़िया एकदम है ना। गैस के अलावा भी इसमें जो सब्सक्राइबर है कि इसमें कितना गैस चलने देते हैं, सवाल आया सब्सक्राइबर का, समझेगा नहीं गैस ऐसा आगे नहीं गया। उसमें काटा होगा, उसमें काटा नहीं दिया, फिर तुम दो हो जाए हलाइन टाइप पर, फिर क्या करना? अरे तो पेट्रोल देना, पेट्रोल दिए। अरे बड़ बहुत बड़ा मसला है, डेबिट चालू है। अरे रिक्शा वाले गाड़ी चलाते, उनके ऊपर काटा रहता, वो हिसाब से चल देंगे नहीं बिल्कुल, तो अपने को कैसे क्या समझेंगे कि इसमें अभी इतना गैस चल रहा है कि गाड़ी अपनी इतनी इतनी किलोमीटर चलेगी। बहुत राइट क्वेश्चन आया है पब्लिक की तरफ से, चलो भाई जवाब दो। ये भाई अल्लाह नबी काम है, ये क्या जवाब दे रहे, ये डॉक्टर साहब जवाब क्या दे रहे? आप लगते काटा उसमें, मतलब हो जाएगा, हो जाएगा।
खर्चा कम बोला जा रहा था। नहीं खर्चा कम है, वो इसी चलाना पड़ेगी फिर कॉक्रोच पेट्रोल। तो नहीं अगर बताओ आपके अगर गैस खत्म होगा तो आप बोल सकते बाजू वाले खाला को, खाला दो मिनट वहाँ गैस के एंटी दो। खाला तुम्हारी 5 मिनट गैस के एंटी दो, गैस खत्म हो गया घर पे हमारे, गैस खत्म हो गया। मुझे सूरत आना है इंशाल्लाह, हमें जाना है नदीम, हमें प्लान कर रहे हैं हम ट्रिप, प्लान तो नहीं कर सकते हम, नदीम तो आपको बताया सूरत शिफ्ट हो गया, तो हमें जाना है डीकैथलॉन। ठीक है, डीकैथलॉन जो है बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का मॉल है, वहाँ पर आपको पूरे अलग अलग ब्रांड्स के आपको जो भी स्पोर्ट्स की चीज़ें वहाँ सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे आसानी से। तो हम जाने वाले वो सूरत में है और इंशाल्लाह ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, सूरत नासिक मुंबई पूना और दिल्ली वगैरह पर है, इंशाल्लाह वहाँ जाना है। और हमें जो नेक्स्ट ट्रिप हमारी वो उस बारे में डिस्कशन शुरू है अभी, तो वहाँ से हमें क्या लेना है, कैंपिंग कैंप लेना है और देखेंगे जो भी अच्छा लगा बढ़िया से उठा लेंगे, देखते हैं। तो इंशाल्लाह शुरू है और जैकेट लगाने के लिए और गैस लगाने के लिए शुरू आएगी, बिल्कुल आप बहुत अच्छा शुरू है, बहुत अच्छा इनका नेचर बहुत अच्छा है और हिसाब में मतलब काम कर देंगे गाड़ी का आपका। अभी हमारे पास पैसे, अभी हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है और आप गाड़ी का भी ऑप्शन बस शुरू में कोई एक रिमल खिल रहा की जाए और खाने पीने की सोयो चलो। मैं सूरत छोड़ के चला वैकी गैरेज में आ जाएंगे, हाँ जरूरी है जरूरी है, और पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़नी उनको, ये शेरू बने यहाँ पर विमल लाए पेट्रोल को बोल लेंगे यहाँ पे, कोई बिचारा आया बोला बच्चा हो अगर शेरू भाई इतने पोलाइट पर्सन है, अगर आपके पास पैसे नहीं रहता आप उनको एक विमल से रख दे तो आपका काम हो जाएगा। हमारे गांव में मामराबाद में ज्यादा रोड पे मैं बेचते जा रहे हैं अभी भी तरह, मतलब ऐसे तो ऊपर नहीं पहले ऐसी दिक्कत हम रोड पर आए बोतला रखते थे, पहले सस्ता भी था भाई गाड़ी, हमने जो लोगो बनाए थे व्लॉगिंग का वो रेडी हो चुका है, आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारा व्लॉगिंग का जो है न्यू लोगो है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हमारा जो है वो अभी नेक्स्ट जो हमारा ट्रिप थी वो किसी वजह से कैंसिल हुई है, जो पोस्टपोन हुई है वो मेरी वजह से हुई है, नेक्स्ट मंथ में कुछ स्पेशल है तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ क्या होता है।
देखे।